जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, हंसो सदात बोलो बतात करबो जी, चारों मुड़ा के बात यही तो है भैया, देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद आपका। बात की शुरुआत करथन, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? मैं अपन गांव के सालामा पढ़े रहे हूँ। हाँ। और छोटा कन रही। हाँ। दो कमरा के। हाँ। तो कभी कभी ज्यादा हो जानता पासे में पीपर के झाड़ रही। हाँ। ओखन नीचे में पढ़े। हाँ। कोनो ऐसन शिक्षक जिन आपला याद हो वो समय स्कूल के समय में जिन आपला प्रेरणा दे हो कि आगे बढ़े पर जिन शिक्षा दे हो? वैसे तो प्राइमरी स्कूल माँ तो प्राथमिक स्कूल माँ सब टीचर अच्छा लगत रही और सब ऐसे डर और लगत रही, नटखटी बहुत करते हो। हाँ। कोनो ला छेड़ना कोनो ला कुछ करना। हाँ। ऐसे करना तो मोला तरह तरह की सजा मिले। हाँ। एक सजा जिन सबसे खराब लगी मोला। हाँ। प्राइमरी स्कूल माँ। हाँ। एक दिन गुरु जी बोली से मानबे नहीं करे लड़का। हाँ। पढ़ लेते पहले तो याद हो जाते एक। हाँ। फिर बाकी मन ला डिस्टर्ब करत रही थे। कैसे करो कैसे करो तो हमारे लड़का मन के अलग लाइन रही। हाँ। और टोरी मन के अलग लाइन रही। हाँ। तो मोला दो टोरी के बीच में बैठा दी। अरे और पहली कक्षा के बच्चा। हाँ। दो टोरी के बीच में बैठ गया तो मोला ऐसे लगा कि भगवान कैसे यहाँ पहुंचा दे सोला, न एती कर सको न ओती कर सको। हाँ। और दोनों टोरी मोर से उमर और बड़े नहीं। अच्छा। हंसा खिलखिल खिलखिल कराए और मोला कुछ बोलर नहीं बनाए। कि जैसे मोला जहाँ तक ध्यान है कि एक बार गांव में एक कलेक्टर साहब आईन और जो उनका रुतबा रही से बोला देख के बड़ा प्रभावित हो, वहीं से यू टर्न ली जिंदगी है। सब तैयार होके धोती कुर्ता तान के एकदम स्टेशन जावत नहीं तो मुहूर्त लगी से यार कैसे कौन आदमी हाथ देख सब चलो। तो गैन तो बढ़िया रेबन के चश्मा पहने रही। अच्छा। और गोरा चिट्टा रही ओखर पारसी रही हीरजी नाम ओखर रही। अच्छा। बोमी हीरजी बड़ा सुघर दिखा बहुत सुंदर जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बा में उतरी। सो समय ऐसी नहीं होती फर्स्ट क्लास के डिब्बा से उतरी तो सब हमार बड़े बड़े सियान जैसे गोड़ हमन छुअन वो सब ओखर गोड़ छुआ। अच्छा। मोला लगे यार ये कैसे आदमी है नौजवान आदमी और सब सियान मन खेर गोड़ छुआ थे तो का है तो मैं पूछूं कोनो कौन सी का चीज है। अरे तेने जाना जिला के माई बाप है कलेक्टर है तो मैं कहूँ मन मन के यार ये तो बढ़िया है गए नौजवान आदमी और सब बुजुर्ग सियान उनकर गोड़ छुआ थे तो मोहूला इसने चुपना है ऐसे मोला लगी। तो मैं फिर पूछे पर चालू करें कि भाई कैसे बनते हैं कलेक्टर। एक बहुत बढ़िया गुरुजी तब हाई स्कूल में मिले। अच्छा। ओखर नाम रही श्री काठपतवार। अच्छा। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मोला लगते कि मोला सही दिशा में ले जाए कि वही प्रयास करी वही मोला आई एस शब्द बताई और मोला थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करे कि थोड़ा अंग्रेजी पढ़ हमारा अंग्रेजी बहुत कमजोर रही काबर हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़े रहे आई एस में हिंदी मीडियम नहीं रही अंग्रेजी मीडियम में होत रही। तो बोली बेटा तुला आई एस बढ़ना है तो अंग्रेजी ल सुधार। तो मोला ओखर घर में अंग्रेजी के पेपर आए तो मैं पुराना पेपर ला मोला दे दे पढ़े बार वो समय में बड़ मुश्किल लगा थी मैं डिक्शनरी लिख के रख के पढ़ो भार्गव के डिक्शनरी अंग्रेजी हिंदी होते तो जन समझ में ना आए तो हाँ तो एक पेज पढ़े में समझ ले एक घंटा लगा। पर मोर अंग्रेजी सुधारे के काम भी उन्हें से चालू। इंजीनियरिंग की तरफ आपके झुकाव कैसे हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके प्रवेश कैसे हुई? हम गणित में पढ़े रहे गणित अच्छा रही तो सब लोग मालूम रही गणित पढ़ते बोला इंजीनियरिंग जाना है। और हमारे गांव से दो कॉलेज नजीक में नहीं एक रायपुर के एक जबलपुर के उस समय बिलासपुर कॉलेज नहीं रही इंजीनियरिंग के तो मैं दोनों जगह के आवेदन करे गए। पर
मथुर प्रसाद दुबे जी हमारे यहाँ से कोटा के विधायक मंत्री रही। अच्छा। हमारे क्षेत्र पर है। हाँ। तो हमारे स्कूल में बांटे बराइस। हाँ। इनाम दे बराइस। हाँ। तो मोला कई थे इनाम मिली। अरे हाँ, हाँ आज हम तोला बहुत पुरस्कार दे हैं हिंदी बोलिस का करे के दादा तो मैं कहूँ मैं रायपुर और जबलपुर इंजीनियरिंग पढ़ा था पढ़े बार कोशिश करा था। अरे तो नंबर तो आते के कहूँ हो जाए पर छोड़ न जबलपुर जाना है न रायपुर जाना है। हम नवा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं भारत शासन के भोपाल में। हाँ। मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नवा बना थे और वहाँ पढ़ ये कॉलेज में कोई कुछ नहीं रखे। मोर बाबूजी लोग बोले चिंता मत करबे भोपाल दुनिया पढ़ते तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ जब लड़का लोग कोनो तकलीफ हो ही था मोर से मिल सकते। अगर मैं भोपाल नहीं गए होते ना तो वहाँ जा जन आईएएस आईपीएस के रुतबा देखा निकले तो ये सैल्यूट मारा है वो सैल्यूट मारा है वो गोड़ छुआ है ये गोड़ छुआ है। नरोना जी की तो व्यक्तित्व बिल्कुल जिला का सप्तन आईसीएस अधिकारी दही और ओखर यहाँ मुख्यमंत्री मिले जाए। अच्छा। जमाना वो मुख्यमंत्री से मिले नहीं जाते। अच्छा। ओखर इतना रुतबा रही तो तब बोले लगी यार वही जन मुला काटपताल जी का और हेर जी लजन देख रहे हो ये बड़े मन के ऐसे मन थे और सब आई एस लग देखा तब मोला फिर लगी कि अब कुछ भी हो जाए इंजीनियरिंग तो करा वहाँ तो ठीक ठाक नंबर ला के यूनिवर्सिटी में पहला आ गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद किसे आगे की पढ़ाई करे बात इंजीनियरिंग में जैसे मोर मन मन तो आगे रही कि आईपीएस आईएएस बनना है। दुर्भाग्य से वो समय आईएएस की उम्र 21 साल कम से कम और आईपीएस के 20 साल मैं दोनों के बीच में रहा। तो पहली परीक्षा में मैं आईएएस में नहीं बैठ सका मुझे आईपीएस में बैठना पड़ी। वो आसान भी पड़ी बहुत अच्छा हो गया। उस समय इंजीनियरिंग मेडिकल की किताब बहुत महंगा बहुत महंगा और गरीब आदमी ने लेना मुश्किल थी। तो बेचारा वो अग्रवाल जी मोला बहुत मेहनत करी तो ओखरे पास गए। मैं बोले अग्रवाल जी मैं रिजल्ट आया थे मैं पहला नंबर तो आ हूँ और सब बढ़िया पेपर गए है पर मोर इच्छा नौकरी करे के नहीं है इंजीनियरिंग के मोर इच्छा आईएएस बने के। अरे हमार मध्य प्रदेश से तो कौन बनबे नहीं करे आज तक कोई आईएएस की किताबें चले वर नहीं आए अब तो ना कैसे ये शौक चढ़ गए। मैं उन मुलत सब चढ़ गए इच बनना है देव भाई मोला कोनो किताब देव। तो मैं इतिहास और राजनीति दो विषय ले और तीन तो अनिवार्य रही और तीनों के फिर मैं बोला कि भाई पांच विषय है पांच किताब दे मोला। तो मैं डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन रही हूँ एक श्रीवास्तव जी वो मोला चिन्हत रही काबर स्कूल में आत रही कॉलेज में आत रही और मोर से प्रभावित रही काबर मैं पढ़े में अच्छे रहे खेले में भी अच्छे रहे। हाँ। तो मैं ओखर कमरा में गया कि अब मोला का करना है मोला तो आईएएस बनना है। हाँ। और ये बीच में कैसे करूँ अक्टूबर का। हाँ। अक्टूबर का तो बोले से यार तैं तो फर्स्ट नंबर आठ है तोला कहीं भी लेक्चरर लगा दे कहाँ जाबे मैं कहूँ रायपुर। अच्छा। नजीक पढ़ी। हाँ। रायपुर कर दूँ। हाँ। तो इसे मैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर वहाँ आके ओकरे के बाद एकदम अप्रैल में मोला अप्रैल एंड में मोला लगते रिजल्ट आई सो इसने मोला बिना इंटरव्यू बिना कोनो चीज के काबर सबसे ज्यादा नंबर रही तो वहाँ कोनो प्रश्न कर नहीं सकते नहीं। तो मोला फिर यहाँ के मैकेनिकल विभाग में लेक्चर बना के भेज दे और कॉलेज में ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ती एक पीरियड टू पीरियड ज्यादा से ज्यादा और बाकी समय फ्री रहन तो फिर आईएएस तैयारी करन ऐसे करके मोर आईपीएस की तैयारी चलत बढ़िया हो गए और परीक्षा हो गई अक्टूबर में और बढ़िया नंबर पास हो गया हूँ आईपीएस बन गया हूँ। तो यहाँ नौकरी छोड़ के आईपीएस बन गया उसके बाद यूपीएससी में कलेक्टर कब बने वहाँ पर जब मैं मसूरी गया ना ट्रेनिंग पर वहाँ मोर मन बदली
अच्छा कैसे बदले, इसकी वहाँ IAS भी रहा है IPS भी रहा है, और IAS वाले हमारे ला एकदम निचला दृष्टि से देखा है, IPS वाले ला तो मन पांच विषय पढ़ के आए हो, मन आठ विषय पढ़ के आए हैं, हम मन कलेक्टर बनबो तो SP बनबे, हम तो और कैरेक्टर रोल लिखबो, तो वन हम लोग हे भावना से देखा है, तो मोले लगी से यार तुम IAS बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ, एमए का है तीन विषय तो पढ़ना है, पढ़ ले हम तो फिर IPS में रहते रहते मैं आवेदन कर दें, टाइम ही नहीं मिला प्लीज तैयारी करें, सब कहें कि एक बार IPS के वो ट्रेनिंग पूरा हो जाए तब बैठ गए, मैं कहूँ नहीं मैं वेस्ट नहीं करूँ, मैं यहीं से बैठूँ, तो मैं जिन लंच ब्रेक मिला है ना थक तो जाते रहे हूँ पर वही मैं पढ़ाई करत रहे हूँ, अच्छा और वही में मोर IAS की तैयारी हो गए और फिर IAS में बैठे वो साल के सिलेक्शन 67 के परीक्षा में 68 IPS बने हूँ और 69 के परीक्षा में हिंदुस्तान में आठवां नंबर आ गया, वाह बहुत बढ़िया, 5 लाख आदमी में आठ बोला, आप बता रहे हो कि पहली जब तनख्वाह आपला मिली तो पहली लक्ष्य से अच्छा कपड़ा लेना है आपला, ओकर बारे में बताओ आपला। मैं वो समय कार कर रहा हूँ, कमीज मोर हमेशा सफेद रहे, ओकर कारण ये रही कि चाहे दो ठे रहे चाहे तीन ठे रहे, कोनो नहीं जान नहीं कि एक पास दुए ठे कमीज है, तो जब तनख्वाह मिली तो मोर शौक रही कि यार कपड़ा का शौक तो बहुत रही, काबन नहीं पहने लोग मिले रही, तो मैं कहूँ तनख्वाह ला कपड़े से लगा हूँ। एक किस्सा थे कि जब जहाज लेके राजीव गांधी जी यहाँ आए उस समय रायपुर कलेक्टर आप रहे हो, ओकर बारे में आप बताओ। तो हूँ मोर जिंदगी के जिन एक बहुत बड़े मोड़ आई कि IAS से मैं राजनीति में आए, और मैं सबसे बड़े योगदान मोर रायपुर कलेक्टर के कार्यकाल में, काबर मैं यहाँ कलेक्टर में हूँ तो राजीव जिला एवरो चलाए बहुत बड़ छोड़ जहाज ली, तो एवरो में चला के आए तो बोला ये रूट के ज्यादा इच्छा रहती है, यही में ज्यादा चला है, दिल्ली दिल्ली से इंदौर ग्वालियर इंदौर नहीं ग्वालियर नहीं दिल्ली इंदौर भोपाल रायपुर, अच्छा ऐसे हॉपिंग फ्लाइट रही और यहाँ रायपुर आके रुका है, दो चार घंटा रुका है, सुबह आ जाए और फिर संझक जाए यही रास्ता में, अच्छा तो 3 घंटा वाला रुकना पड़ा और यहाँ वो अपन डब्बा बलात रही सोनिया जी बना देते रही सैंडविच काफी अलग पिया है, तो पुरुषोत्तम कौशिक जी के धन्यवाद अभी नहीं है तो वो समय यही विभाग के मंत्री थे, कौशिक जी बहुत अच्छा रही है, तो बोला हाँ इशारा कर दें आज राजीव चला थे ऐसे बोला, जी तो नहीं कहते रही ऐसे बोला कलेक्टर साहब राजीव चला थे थोड़ा देखभाल कर ले भाई, और कभी कभी जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए कौशिक जी के तो मैं महू चले जाते हैं कमरा, अच्छा हाँ तो मुलाकात हो जाए हाथ मिलान, और मुलाकात मालूम नहीं कभी प्रधानमंत्री बनी वो संजय गांधी जमाना नहीं, तो तब बोले उखर पर्सनैलिटी बहुत बहुत सुंदर दिखे, वैसे सुंदर आदमी मैं कथम दुनिया में शायद कौन हुई, इतना स्मार्ट दिखा है पायलट के ड्रेस में गोरा चिट्टा गुलाबी एकदम सुर्ख एकदम और बढ़िया बाल और ओखर ड्रेस में इतना सुंदर लगा कि मोला ओखर सुंदरता प्रभावित करे ओला मोर विद्वता प्रभावित करे, और ये 3 साल के कार्यकाल में कई बार मुलाकात हुई और मोला नहीं मालूम रही कि रही कि ओला कहूँ सुरता रही, अब नियति के खेल चल गए, संजय गांधी मर गए इंदिरा जी मर गए वो प्रधानमंत्री बन गए और वो फिर नवा नवा आदमी मल्ला दूसर क्षेत्र से जैसे अरुण सिंगला अरुण नेहरूला प्राइवेट कंपनी से लाई, तो वैसे एक आदिवासी नेता तलाश कर रहे मेलेथन नान कोन ब्रेक रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्जॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है,
ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना, 100 एकड़ से ज्यादा हरा भरा कैंपस, विश्वविद्यालय में देश के 16 राज्यों से विद्यार्थी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा अवार्ड। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना इंडिया टुडे सर्वे 2018 में भारत की सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिली 27वीं रैंक। कुलपति डॉक्टर पी के बनिक के कुशल नेतृत्व में संचालक IITs, NITs एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से फैकल्टी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उद्योग जगत एवं IIT मुंबई जैसे संस्थानों से अनुबंध। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त की फर्स्ट पोजीशन, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लैब फैसिलिटी, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, एग्रीकल्चर फार्म व पॉली हाउस, उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम, छात्राओं के लिए सुरक्षित कैंपस, 700 से ज्यादा कैमरों द्वारा निगरानी, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, इस रीजन में सर्वाधिक प्लेसमेंट, सभी पात्र विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। AKS यूनिवर्सिटी सतना, यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पिछले एक दशक से CBRU ने विश्व स्तरीय शिक्षा को लाने में कड़ी मेहनत की है और अपने आप को भारत की पसंदीदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया है। शिक्षा के परिदृश्य में हम निरंतर अमिट छाप छोड़ रहे हैं। हम साधारण नहीं, सर्वश्रेष्ठ हैं। हम हैं डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का गौरव। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के देसी टॉक में। देसी टॉक दिग्विजय, हमन एक संग पढ़े रहे। हाँ। तो मोर मंत्री जरूर मान गए रही, पर मोर उखर से मैं कलेक्टर रहे हूँ, तो आपसी मित्रता के संबंध तो पहले पढ़े रहे साथ तक। हाँ। बने रही तो वो जानत रही, मैं बोला कभी बातचीत में बता रहे हूँ कि राजीव गांधी आत रही तो मुलाकात होत रही। हाँ। उखर दिमाग तेज है बहुत। तो अर्जुन सिंह लोग बोले एक है नाम हमारे पास, ये नाम लेवे तो वो नाम कट जाही और राजीव गांधी कूद के ला लपक ली। तो फिर मोर नाम लिस अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। तब पूछिस वही है जिन रायपुर में रही इसका? हाँ साहब वही है, आजकल इंदौर में है। अरे अरे बहुत बढ़िया आदमी, इसी को लाएंगे यार। बोले अच्छा, लगाओ फोन। कैसे कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री तो बात करना चाहते, दिन भर तो मिलवे नहीं करे। हाँ। तो मैं बोलो है, मैं गांव के दौरा में रहा हूँ, वायरलेस हूँ जरूर, खबर आतरी सो समय मोबाइल के जमाना नहीं है। हाँ। वहाँ से फोन नहीं लगा तो मैं नहीं बात कर पाया। अब लौटे हूँ तो बात करा था, करा दो बात। तो क्या बात करा? वो बोले अभी अभी उठ के गए है राजीव गांधी जी अपन फार्म हाउस, तोर बार एक आदेश है। क्या आदेश है? आप लो अभी इस्तीफा देना। मैं बोले क्या कर दो? हाँ, अभी इस्तीफा देना है। और 12 बजे दिग्विजय सिंह प्लेन लेके आते है, वहाँ बैठ के दिल्ली भोपाल जाना है। इस्तीफा तुम्हारा भोपाल से फॉरवर्ड हो ही, दिग्विजय वाला प्लेन से दिल्ली लाही, रातें में मंजूर हुई और दूसरे दिन सुबह तो नॉमिनेशन फाइल करे पहली, तोला इस्तीफा मंजूरी के मिल जाही और तोला राज्यसभा बनना। मैं क्यों कैसे गोट करा था, मैं मोला सोचे मौका दे भाई, इतना बढ़िया नौकरी कलेक्ट्री कर रहा था और मोला रिजाइन करे वाला, वहाँ कोई भविष्य की भरोसा नहीं है, कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। तो बहुत लंबा कहानी है, वो 2.5 घंटा में मैं काखर से बात कर रहा हूँ, फोन आना चालू हो गया, फैल के बात सब, कोनो बधाई देवत है, कोनो कहे मत जाओ, कोनो कहे जाओ, IAS वाले कहे मत जाए यार, कहाँ राजनीति में फंस गए, तो करियर बहुत बढ़िया चला थे, ऐसे ऐसे। तो मैं अपन सवारी लो ले, चल गाड़ी में बैठ, यहाँ तो बात करे का मौका नहीं मिला, दोनों जन तो बात कर ले, 12 बजे तक फैसला करना है, 2.5 घंटा बचे रही। तो गाड़ी में बैठ गए, सामने भट रही गुजराती
ब्राह्मी वो मोर पियरी स्टेनो जो लगा थे वो कूद के सामने बैठ गया, हम दोनों जन पीछे और गाड़ी लेके ऐसे चरण बात कर रहे थे। मैं बोला देख ऐसे ऐसे वहां के का करना है, सुवारी ले पूछ ओहो सकारात्मक बोल दे कि देख भाई मैं तो कॉलेज पेंटिकल कॉलेज में पढ़ा था, मोर तनख्वाह उनका ठीक था, अमित लपालक जवाबदारी मोर है, ते चिंता मत कर कि घर द्वार कैसे चले, मैं प्रोफेसर हूँ मैं चला ले हूँ, तोला जाए की इच्छा है तो हाँ कर दे, मैं रिकावट नहीं था। तो भट्ट बोली साहब ये फैसला साईं बाबा करिए, मैं बोले कैसे, वो साईं बाबा भक्त थी, कुछ पढ़ी सुढ़ी साईं बाबा के जाप करी और एक लाके करके नहीं साईं बाबा, बोले से साहब ये फैसला साईं बाबा करिए, ऐसे करके उछाल दी। अब बोलिस बताओ साईं बाबा फोटो है कि साईं बाबा के जाप जन लिखे रही वो है, मैं बोले फोटो है तो ऐसे निकाली तब फोटो दी, बोले अब फैसला हो गए साईं बाबा के आदेश हो गए अब जान करना। तब मैं जहाँ चला एयरपोर्ट चला दिग्विजय सिंह के बैठ के एक कागज में इस्तीफा लिखा सादा कागज में और दिग्विजय सिंह के संग बैठ के प्लेन में भोपाल आए, भोपाल एयरपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी सब जना है। बिहाव जब आपकी हुई, जब बिहाव फिक्स हुई तो आप उस समय शेड्यूल कलेक्टर रहे हो, सीधी कलेक्टर रहे हो आप वो समय, आप सीधी कलेक्टर रहे और मैडम जिन है पेंटर रोड में फिर आप दिखाएगी, वो बात ला बताओ कैसे बिहाव फिक्स हुई। ओहो बड़ मजेदार किस्सा हवा है, तो वो खर फूफी और मोर दाई के मित्रता होगी, हर ज्यादा दूरियां नहीं है आस पास है, मतलब पड़ोसी समझ लो, दोनों नौकरी के दोस्ती हो गए और मैं तब तक कलेक्टर बन गया रहा और झूठ नहीं बोला, मोर शादी करेंगे कोई दूसरी जगह इंतजाम कर ले रहे हैं प्रेम विवाह के आईएएस में, तो मोर माता जी थोड़ा पसंद नहीं रही कि इतना वो एकदम जब दिखाए बताए तो एकदम दुखी हो गए, अंग्रेजी में गुठिया है और हाई फाई रही, तो बोले से तो हमारे घर हुआ गांव में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो वो खर मन भी इसकी कोई ज्यादा शांत स्वभाव के होना चाहिए, तो दोनों जन फिर डोकरी डोकरी उठा के तय कर लिए कि ए हमारी बेटी और तुम्हारा बेटा बिहार ना चाहो, तो मोला सीधी टेलीग्राम कर दिन और मन लिख दिन की माता जी बहुत गंभीर है तत्काल आओ, तो मैं दौड़ भागत पहुंचे हूँ, तो मोर माता जी तो एकदम ठीक बैठे रही, मैं कहूँ आप तो एकदम ठीक है कावर बुला ले, अरे बेटा बहुत सुंदर लड़की आए डॉक्टर है अमेरिका के, ओखर बड़ प्रसिद्धि हो गए आठे नौ महीना में 200-300 गांव के मरीज मनाते हैं और कोई लोग वापस नहीं करे, ऑपरेशन भी कर देते गोली भी देते, बहुत सुंदर लड़की है और हमन दोनों जनता है करे हैं देख लेता मन आधा रही देख लेता, तो फिर कर घर गए न समझा दुर्भाग्य से लाइट ऑफ हो गई, तब मतलब थोड़ा जम गए। आप प्रवक्ता भी बने हो अभी वर्तमान में, जिन प्रवक्ता आप दिखता हो आप भी प्रवक्ता की बड़े जिम्मेदारी में रहे हो, उस समय आप बड़ा अवसर मिली जब आप राजनीति में आ गए, तो ओखर बारे में बताओ कि प्रवक्ता में का गुण होना चाहिए। मोला ये मालूम है कितना बताना है और कितना नहीं बताना, नहीं बताना ये बहुत जरूरी है प्रवक्ता में, ठीक है ना? का चीज बताना है और का चीज नहीं, पर जानकारी प्रवक्ता लग पूरा होना चाहिए। एक कारण से मैं प्रवक्ता लग ये हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे एकदम हेड से जोन भी अध्यक्ष है पार्टी के ओकर से डायरेक्ट संबंध रहना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी से भी सुषमा स्वराज जी से भी वही समय मित्रता होगी, दूने दूए जन तो जाए डिबेट में, तो एक ही गाड़ी में जान वही मैं गाड़ी और एक ही गाड़ी में वापस आ, तो मोला पहले ले फिर मोला ड्रॉप करा और फिर, तो मोदी जी तो एक कमरा में रहती है बीजेपी ऑफिस के पीछे क्वार्टर नहीं लाटरी से एमपी नहीं रही, सो मोर पास तो
अच्छा घर रही हाँ तो जब लौटत रहे तो मैं बोला कहूँ यार तो नहीं हम चाय वो नहीं मिला ये बैठ जा चाय बहुत शौकीन रही पोहा बनवा देते हैं ना कभी कुछ और भजिया भजिया इसे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने के सौभाग्य आप मिली ओखर बारे में बताओ कैसे बने हो आप शुरू में ऐसे तो नहीं रही इसके नाम नहीं रही सो माँ लेकिन फिर आप आए फिर बने और तीन साल बड़ा गजब बारे मोर प्रवक्ता के जन काम है वो बहुत काम आई जब छत्तीसगढ़ राज की विधेयक पास हो गए तो जितना पत्रकार टेलीविजन लॉबी रही मोरिच पर लॉबी करे पूरा सब नेता के पास जाए और मन के पहुंच रही तो मोला कोई ज्यादा दिल्ली में लॉबी करे की जरूरत नहीं पड़ी माहौल बन गए कि योगी से अच्छा कोई नहीं हो सके हालांकि मोर ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता रही विद्याचरण जी रही श्यामाचरण जी रही मोतीलाल वोरा जी रही आदिवासी अरविंद नेता जी और बहुत मतलब कोनो कमी नहीं रही कांग्रेस में तो बड़े बड़े नेता रही और कोनो सोचबे नहीं करे रही कि मोर नंबर लग सके मोहूला ज्यादा उम्मीद नहीं रही पर इच्छा रही ऐसे तो मैं मना नहीं कर सका तो ये अब ये चीज तो एकदम सीक्रेट है पर बता था आपका कि मोला एक महीने पहले सब लाभी कनेक्ट रही एक महीना पहले सोनिया जी मोला बता दे रही मोर से गलती हो गई तो ला बता दे पर ये बात तो और मोर के अलावा रेनू लवी मोर पत्नी के नाम लेके बोली ओहू ला नहीं पता चलना चाहिए सीक्रेट रही तब तो ठीक है। मधुबाला आप लोग बहुत पसंद है ओखर बारे में बताओ तो फिल्म बहुत देखे हो मधुबाला क्या पर मोर जमाना वहाँ दो जन मोर फेवरेट है हीरो में दिलीप कुमार और हीरोइन में मधुबाला ओखर से सुगर चेहरा मोला लगते आज तक भारतीय फिल्म के स्क्रीन में नहीं आए ठीक है जितना सुंदर वो रही और आज भी मैं ओखर बहुत बड़े फैन हूँ और जिन जिन पिक्चर में गाना गाए है सब मोर पास आवे अच्छा दौड़ा वोड़ा में रहता हूँ तो सुनता हूँ ला अच्छा लगता है ला। खाए में आप क्या पसंद करते हो जिन आपके फेवरेट डिश हो मैं छत्तीसगढ़ी ठेठ तो पसंद तो छत्तीसगढ़ी भोजन है जीवी काना है मुनगा है बरी है भाजी है रकम रकम के भाजी 50 तरह के भाजी खाओ हाँ आजकल खेक्सी आते हैं टूटू आते बोड़ा आते पेली आते यही चीज मोला ज्यादा पसंद है। जोगी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा सुघर बात आप बताए वैसन बात बताए मोला इस लगते कि बहुत झन जन है नहीं जानत हुई और देसी टॉक के माध्यम से उमल्ला जाने के मौका मिली आप लोग गाड़ा गाड़ा धन्यवाद देवा बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले हम वही खुश कर दे कोनो ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछे हो बहुत कम जन ऐसे पूछे हुए और आप लोग मैं दिल खोल के सब सब गोठ लो आप लोग बता दे हूँ और मोर ये उम्मीद है दो तरह की उम्मीद है कि कोनो कोनो एक हर से प्रेरणा ले सकते हैं और कोनो कोनो जिन छत्तीसगढ़िया बाद में चला छत्तीसगढ़िया की भलाई के वो तरफ आकर्षित होनी ये इंटरव्यू लोग देख के ये मोला पूरा उम्मीद है आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू ले रहा जेना मैं कर सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यूज आप ले है एक हर बार आप ला फिर से मैं धन्यवाद अगला हफ्ता में फिर लाऊं चारों मुड़ा के बाद अपन देखत रहो देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज़।